हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बॉडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, उस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप सभी को वीडियो और मेरी आवाज़ दोनों प्रॉपर अगर हो रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ प्रॉपर, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए जितने भी लोग ऑनलाइन हैं अभी। फिर हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से एक बार बता दीजिए। चलिए देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के डिस्कशन जो था हमारा वो बाकी था, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आपके सामने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका सेट है, उन्हें हम करने वाले हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, नॉट लिखा हुआ नहीं है। कमेंट करके अब आपको बताना है आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और बताना है अगर आपको आता है तो। गलत कथन, इंग्लिश बॉन्ड, कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, कौन सा गलत है। ब्रिक्स इन वन लेयर आर लेड ऑन हेडर बॉन्ड एंड कोर्स अबो एंड बिलो स्ट्रेचर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन तो क्या है, करेक्ट है। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में कोई दिक्कत है क्या, पहले वाले में कोई दिक्कत है क्या, पहले वाले में कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले वाले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है क्या, बताओ। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, हाँ पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरे वाले में लिखा हुआ है एवरी लेयर ऑफ ब्रिक इज लेड ऑन हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड। एवरी लेयर तो नहीं होती ना, अल्टरनेट कोर्सेज होते हैं, तो सी गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं, ब्रिक्स लेयर अलाइंड सच दैट वर्टिकल ज्वाइंट इज कंटिन्यूअस। क्या ब्रिक्स को इस तरह से अलाइन किया जाता है कि वर्टिकल ज्वाइंट क्या है वो अलाइन हो? अरे अल्टरनेट के होते हैं, एवरी कोर्स के नहीं होते हैं। ये एवरी कोर्स होता है, एवरी कोर्स के लिए नहीं होते हैं, तो अल्टरनेट कोर्सेज के होते हैं अलाइन। तो आपने देखा होगा परपेंड की मैंने बात की थी, परपेंड, तो अल्टरनेट जो ब्रिक्स होंगी उनका इस तरह से आपको अलाइन करना होगा। इसके ऊपर ब्रेक होगी, फिर इसके ऊपर ब्रेक होगी, तो अल्टरनेट ब्रिक्स का अलाइन होता है, कंटिन्यूअस का नहीं होता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है गलत कौन सा, सी है। और अगर हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो डी भी मैं गलत बता सकता हूं, क्योंकि डी स्पेसिफाई नहीं है, प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं है डी। तो सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं अगर आपके मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन हो तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये WRT 2016 का क्वेश्चन है डिग्री का, ठीक है, WRT 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉड्यूलर साइज ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट जवाब दीजिए, इनमें से कौन सी मॉड्यूलर ब्रिक का साइज प्रॉपर दिया हुआ है इनमें से, ऑप्शंस में से। WRT 2016 का क्वेश्चन है डिग्री का, TSP का। देखिए सभी लोगों को कमेंट करना है, सभी लोगों को जवाब देना है और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है इस पूरे के पूरे सेशन में। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका, और ये भी आपको लिखना है क्वेश्चन के आंसर के साथ में कि मैं सेकंड का आंसर मैं बता रहा हूं ए, या सेकंड का बी, या सेकंड का सी, ऐसे क्वेश्चन नंबर भी लिखना है आगे, जिससे पता चले कौन सा आंसर आप बता रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर भी लिखें। तो जो हमारी साइज होती है वो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। रितु मीना, मानवेंद्र सिंह शेखावत, बिल्कुल। लक्की ने गलत दिया है। आर के मीना, अमित कुमार, वेरी गुड। सुमेर सिंह जी, वेरी गुड। सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, एक इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, PhD 2015 डिप्लोमा का क्वेश्चन है, इन ब्रिक मेसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली कीप्ड ऑन। फ्रॉग को कहां रखा जाता है नॉर्मली, आपसे पूछा गया है, PhD 2015 का क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने पूछा है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो मैंने कहा था फ्रॉग को हमेशा टॉप में रखा जाता है, कहां रखा जाता है, टॉप ऊपर की तरफ रखा जाता है, हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि टॉप का मतलब यह है कि अगर जैसे ये कोर्स है आपका, तो इस कोर्स में आपका ब्रिक को इस तरह से रखेंगे जहां पर फ्रॉग यहां ऊपर की तरफ होगा, टॉप का मतलब ये है।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर थ्री का बी है। और ये सबसे पहले आंसर दिया है मानवेंद्र सिंह शेखावत ने, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फोर, ए बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स, सेम कोर्स में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर का यूज करके जो बॉन्ड बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। 2015 पीएचडी डिप्लोमा, 2015 पीएचडी डिप्लोमा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट में सिर्फ आपको आंसर करना है और कुछ भी कमेंट में नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ भी कमेंट में लिखेंगे मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई कमेंट्स का एकदम लास्ट में होगा, कोई भी आपके सवाल जवाब है तो लास्ट के लेक्चर खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर फोर, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें एक ही सेम कोर्स में आपके अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर होते हैं। डी, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एकदम करेक्ट आंसर है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आशीष मीणा जी ने आंसर दिया है सी, लेकिन उनका आंसर गलत है, डी करेक्ट आंसर है। और डी दिया है सबसे पहले किसने, दिलावर सिंह ने, दिलावर सिंह, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फाइव, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंजिंग लाइन एंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज। तो आपको बताना है कि अगर आपने कोई इस तरह से आर्च बनाया है तो आपकी जो स्प्रिंजिंग लाइन होगी, स्प्रिंजिंग लाइन, और आपका जो हाइएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना, इनर कर्व का, तो इनके बीच की जो हाइट होती है, इस हाइट को क्या कहा जाता है, यह हाइट क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या ये इंट्राडोज होती है, क्या ये राइज होती है, स्पान होता है, थिकनेस होती है, क्या कहा जाता है। आरपीएससी वीपीआईटीआई इसरो 2017, आरपीएससी में भी आया हुआ है, इसरो में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पांच का बी, आशीष मीणा, वेरी गुड आशीष मीणा जी, एकदम करेक्ट, इसका आंसर होगा बी, राइस कहा जाता है इसे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन लिंटेल आर कंपेयर्ड विद आर्चेज, जब लिंटेल को आर्चेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग कौन सा है। आरपीएससी वीपीआई जो आईटीआई का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है, वाइस प्रिंसिपल आईटीआई, आरपीएससी का वाइस प्रिंसिपल का पेपर हुआ था, आईटीआई का उसका सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताइए, ऑलरेडी ये मैंने बताया हुआ है आपको, डिस्कस किया है एक एक चीज, जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए हैं, आपका रिविजन चल रहा है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर के आगे क्वेश्चन भी लिखे, वरना मैं कैसे पता चलेगा मुझे किसने आंसर सही किया है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ चलिए, सिक्स का है बी, कुलदीप सिंह जी, सिक्स का है बी, कुलदीप सिंह जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कुलदीप सिंह जी बिल्कुल सही, सिक्स का बी आंसर है, सिक्स का आंसर है बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, अंडरपिनिंग कहा जाता है, स्काफोल्डिंग कहा जाता है, शोरिंग कहा जाता है, जैकिंग कहा जाता है। एमपीएससी 2012 का क्वेश्चन है ये, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने नहीं बताया हो। नेहा कुमावत 7 नंबर का है सी, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा कुमावत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक शर्मा जी, आशीष कुमार, देवयानी सिंह, अमित कुमार, मानवेंद्र सिंह, अभिषेक बैरवा, आशीष मीणा, अमित कुमार, सुमेर सिंह जी, वेरी गुड, एकदम सही है। विश्वास चौधरी जी, आशीष मीणा जी, जितेंद्र मीणा जी, आशीष मीणा, राहुल तिवारी, प्रीतम भट्ट, संतोष कुमार, ये हुई ना बात, ये हुई बात। चलो क्वेश्चन नंबर एट, केपीएससी इसरो और आपके अलग एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर एट, द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड एज, जो आर्च होता है उस आर्च का जो इनर सरफेस होता है, अंडर सरफेस, उसके नीचे वाला जो सरफेस होता है, उस सरफेस को क्या कहा जाता है बताना है आपको, क्राउन, हॉर्न, सॉफिट या बैक, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, तो मैंने कहा था अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के बारे में मैंने बताया था, और उन टर्म्स से रिलेटेड मैंने काफी सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू बताई थी। तो क्या कहा जाता है, वकार अहमद ने बोला है सॉफिट, तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन के आगे फिर लिखना है आपको आंसर, जैसे सुमेर सिंह जी ने लिखा है, बिल्कुल 8 नंबर में आएगा सी, इस तरह से लिखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के आगे फिर आंसर, वरना मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम जब डिस्कशन करते हैं लाइव तो इसमें लैग आता है। अब मुझे, अब क्या पता आप कितना लैग में चल रहे हैं, हो सकता है आप 1 मिनट पीछे हैं या 30 सेकंड पीछे हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर नाइन,
ए लिंटेल इज अ, जो लिंटेल है वो क्या है, शॉर्ट बीम है, शॉर्ट स्लैब है, या शॉर्ट कॉलम है, या नन ऑफ द अबो, क्या है? केपीएससी जेई का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने क्या कहा था, ये एक शॉर्ट बीम है, क्या होता है, एक छोटा बीम होता है, छोटा सा बीम होता है, ये एक छोटे बीम का एग्जांपल है ये, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, 9 का ए है, अमित कुमार ने एकदम सही आंसर दिया है। द डेप्थ ऑफ एन आर्च इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो आर्च है उसकी डेप्थ जो है ये किसके बीच की डिस्टेंस को शो करती है, ये आपको बताना है, किसके बीच की डिस्टेंस होती है, इसरो 2015 का सवाल है ये, बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सही, इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच की डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है डेप्थ की, क्या कहा जाता है, आर्च की डेप्थ कहा जाता है, डेप्थ किसे कहा जाता है, सबसे पहले वकार अहमद ने आंसर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, ए कवरिंग ऑफ कॉन्क्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑन एक्सटर्नल वॉल इज नोन एज, मतलब आपको बताना कि ऐसी कौन सी कवरिंग होती है जो कॉन्क्रीट जो होती है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट की जो कवरिंग होती है जिसे आप प्लेस कर सकते हो किसी भी एक्सपोज्ड एक्सटर्नल जो वॉल है उसके टॉप पर। मान लीजिए आपने कोई वॉल बनाई, ये वॉल है, और इस वॉल के ऊपर आपने क्या किया, इसके टॉप में, इसके टॉप में क्या है, आपने कवरिंग प्रोवाइड कर दी ऐसे कोई, तो ये जो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से बताया है मैंने, टॉप पर इस तरह से कवरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इसे कहा जाता है कूपिंग, क्या कहा जाता है, कूपिंग कहा जाता है। कुलदीप सिंह जी बिल्कुल सही जवाब, कूपिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन खाली स्पेस है, फिर आपके पास स्पेस है, फिर लिखाओ इन बॉन्ड हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड अल्टरनेटिवली कोर्स, मतलब अल्टरनेटिवली अदर अलग अलग कोर्सेज में जो लगाए जाते हैं हेडर स्ट्रेचर ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है, एमपी ड्राफ्टमैन जेई 2017। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 12 का डी बोल रहे हैं कुछ लोग, सी बोल रहे हैं, अरे अल्टरनेट है, अल्टरनेट अल्टरनेट है, भूल गए क्या, 12 का सी सही है, बिल्कुल मानवेंद्र जी सी सही है, डी सही है, बताओ अभी भी कंफ्यूजन में, कई लोग सी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं, मैं तो दोनों के साथ हूं, मैं तो सी वालों के साथ भी हूं और डी वालों के साथ भी हूं। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप बताना आंसर क्या होगा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें हेडर और स्ट्रेचर इनको बिछाया जाता है अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स, ईच कोर्स का मतलब क्या है, ईच कोर्स का मतलब क्या है, एवरी, एवरी का मतलब जितने भी कोर्स होंगे आपके, सारे के सारे, सारे के सारे, सारे कोर्सेज में, यानी कि हर कोर्स में, हर कोर्स में, यानी कि जितने भी कोर्सेज बन रहे हैं, यहाँ पहला कोर्स बना, दूसरा कोर्स बना, यानी सब में हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, इसमें भी हेडर स्ट्रेचर, तो ये तो फ्लेमिश में होता है ना, ये तो फ्लेमिश में होता है, तो सी आंसर है इसका। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत फंसिए आप लोग, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत फंसिए, यहां लिखा हुआ इन ईच कोर्स, ईच कोर्स में लिखा हुआ है, अल्टरनेटिवली आपको हेडर स्ट्रेचर बिछाना है, लेकिन अल्टरनेट कोर्स में नहीं बिछाना है, सेम कोर्स में बिछाना है एवरी कोर्स में, लेकिन अल्टरनेटिवली हेडर स्ट्रेचर होंगे, तो लैंग्वेज में मत फंसिए आप, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 13 एमपी सब इंजीनियर 2015 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड सैंड मोर्टार इज नॉर्मली यूज फॉर ब्रिक मेसनरी, ब्रिक मेसनरी में जनरली कौन सा प्रपोर्शन हम काम में लेते हैं, जनरल लिखा हुआ आगे, जनरली कितना हम काम में लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली या जनरली आप बोलना चाहें, तो नॉर्मली हम कितना प्रपोर्शन काम में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा 1:6, एकदम सही है 1:6, शालू बार्क बिल्कुल सही बात है, 13 का होगा बी, 13 का बी 1:6 लिया जाता है नॉर्मली, नॉर्मली 1:6 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 14 पर, द साइड ऑफ द ओपनिंग सच एज डोर विंडो इज नोन एज, तो जो आपकी डोर और विंडो की जो ओपनिंग होती है उसकी जो साइड होती है उसे क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वॉल थी, ये कोई वॉल थी और इसमें आपने क्या किया, इसने आपने ओपनिंग छोड़ दी कि यहां पर अपन विंडो बनाएंगे, ओपनिंग छोड़ दी आपने विंडो के लिए, यहां पर विंडो बनाएंगे, ओपनिंग छोड़ दी आपने, तो अब ये जो ओपनिंग आपने छोड़ी है, इस ओपनिंग की जो साइड है, इस साइड को क्या कहा जाएगा, इस साइड की बात कर रहा हूं मैं, इस साइड को क्या कहा जाएगा,
जो ओपनिंग है उस ओपनिंग की जो साइड है उस साइड को क्या कहा जाएगा? इस साइड के बारे में पूछा गया है आपसे, बताइए साइड को क्या कहा जाएगा, फटाफट बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन में अभी हम हैं, 14 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, बताइए सभी को बताना है, ये क्वेश्चन मैंने बताया है पहले भी क्लास में। बिल्कुल जेम्ब कहा जाता है, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, जेम्ब, जेम्ब कहा जाता है ओपनिंग का जो सरफेस होता है उसे जेम्ब कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रपोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट अक्रॉस इट्स मिड विड्थ एंड हैविंग इट्स लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ द फुल लेंथ। आपकी जो लेंथ है जितनी पहले थी उतनी ही है, लेकिन इसकी जो विड्थ है उसके विड्थ के मिड में से बीच में से कट कर दिया है, तो ये जो नई ब्रिक मिली है इस ब्रिक को क्या कहेंगे, किंग क्लोजर, कॉर्नेस ब्रिक, क्वीन क्लोजर या वॉशर, क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए, 15 का ए बताया जा रहा है किंग क्लोजर कहा जाएगा, बताइए सभी लोग बताइए, किंग कहा जाता है, क्यून कहा जाता है, कॉर्निस कहा जाता है, जैसे ये ब्रिक है ना, ये ब्रिक थी, इस ब्रिक की जो विड्थ है उसकी विड्थ में से बीच में से मैंने काट दिया, बीच में से मैंने काट दिया, एक हिस्सा अलग हो गया, दूसरा हिस्सा अलग हो गया, लेंथ पहले थी उतनी ही है। बिल्कुल सी सी सी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्यून कहा जाएगा, क्यून क्लोजर, क्यून क्लोजर, नितिन नितिन सर बिल्कुल क्यून क्लोजर कहा जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, ए वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल जॉइंट इज अल्टरनेटिव कोर्स इन टर्म वाइज। आपको बोला गया है कि वर्टिकल जॉइंट जो है जो आपके फेस ऑफ द वॉल है डायरेक्टली जो बनाया जाता है वर्टिकल जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है ना, अल्टरनेटिवली कोर्स इन ईच टर्म्स, अल्टरनेटिवली कोर्स होंगे उसको क्या कहा जाएगा, अल्टरनेटिवली कोर्स होंगे उनको डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए। आप समझ सकते हो कि जैसे ये वॉल थी और इस वॉल पर क्या होगा, इस वॉल पर ऐसे ब्रिक्स रखी हुई होंगी, इनको इस तरह से आप शो कर सकते हो रफली, तो अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा होगा जो आपको ये शो करेगा कि अल्टरनेटिवली जो जॉइंट्स हैं उनको मिलाए, तो ये एक लाइन होगी, ऐसी लाइन होती थी, ऐसी लाइन जो अल्टरनेटिवली जो है जॉइंट्स इनको मिलाती थी, तो इस लाइन को क्या कहा जाता, इसे परपेंड कहा जाता था, क्या कहा जाता, परपेंड, परपेंड कहा जाता था ना मोहम्मद आसिफ, बिल्कुल परपेंड कहा जाता, देवयानी अमित जी नहीं, नेहा कुमावत बिल्कुल सही है, मानवेंद्र जी बिल्कुल सही है, परपेंड कहते थे हम, है ना, श्याम बोराना जी, अरे श्याम जी बिल्कुल, श्याम जी बिल्कुल परपेंड कहेंगे, श्याम जी अगर आपने कह दिया परपेंड है तो परपेंड ही है, श्याम जी ने अगर कह दिया तो वही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी कह दिया, आप तो दो दो श्याम जी आ चुके हैं, तो आंसर तो सी होना ही है। हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये आप बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, हैकिंग क्या, हैकिंग जो प्रोसेस है क्या है, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभा शुक्ला, विश्वास चौधरी, हितेश लांबा जी, आर के मीणा जी बिल्कुल, शिव प्रताप जी, दीपांशु पांचाल बिल्कुल, प्रीतम भट्ट, 17 का बताइए, कुलदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी का एकदम सही जवाब है। हैकिंग क्या होती है, हैकिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है कि जो आपको जिस सरफेस पर प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने से पहले उसको क्या रफ बनाया जाता है, उस बैकग्राउंड को रफ बनाया जाता है, वो जो प्रोसेस होती है उसे हैकिंग कहा जाता है ना। एक स्ट्राइकिंग भी होती है, स्ट्राइकिंग में क्या होता है वो भी सेम ऐसी ही प्रोसेस होती है, क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी सरफेस है जो पहले से क्या है बना हुआ है, अब उसमें आपको रिनोवेशन करना है या वापस से प्लास्टर करना है, तो पहले उस सरफेस को, सरफेस को क्या बनाना है, रफ बनाने के लिए हम हथौड़े के थ्रू क्या कर सकते हैं, हैमर के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको रफ बनाएंगे, रफ बनाने स्ट्राइक कर करके हथौड़े मार मार के, और उसके बाद में फिर प्लास्टर या वॉल पुट्टी जो भी करनी वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो टर्म्स हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, ए थिन, क्वेश्चन नंबर 18, ए थिन रफ, रफ का मतलब अनफिनिश्ड कोट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर ऑन मेसनरी वॉल इज जनरली कॉल्ड एज, बताइए, पार्जिंग, पार्जिंग होगा, डिसेंबरिंग होगा, पेंटिंग होगा या ड्रेसिंग होगा। 18 बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, एक रफ या अनफिनिश्ड जो कोट प्रोवाइड कर सकते हैं पोर्टलैंड प्लास्टर सीमेंट का मेसनरी वॉल पर, उसे क्या कहा जाएगा। देखो ड्रेसिंग तो कह नहीं सकते, ड्रेसिंग तो चीज अलग है, पेंटिंग अलग चीज हो जाती है, डिसेंबरिंग अलग चीज हो जाती है, तो आंसर बचता है सिर्फ एक, क्या, पार्जिंग। पार्जिंग होता है वो क्या होता है,
पार्किंग क्या होता है कि जब आप क्या है कि रफली रफ प्लास्टर आप करते हो, प्रॉपर प्लास्टर नहीं कर रहे हो, रफली आपने बस क्या किया है ब्रिक्स को छिपा दिया है मोर्टार से, जो करते हैं जनरली हम, हमारे घर की जो बाहर वाली वॉल होती है ना, साइड वाली वॉल जो दूसरे के मकान की तरफ फेस करके रहते हैं, तो वहां पर क्या कर सकते सिर्फ क्या है रफ प्लास्टर कर देते हैं। एक्चुअल में जो रफ प्लास्टर होता है वो यही होता है। 18 का ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर विद डायग्राम है, इसका आंसर तो अंधा भी बता देगा, इसका आंसर तो अंधा भी बता देगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, इन ब्रिक मेसनरी फॉलोइंग फिगर इंडिकेट विच टाइप ऑफ क्लोजर, कौन सा क्लोजर है। 19 स्क्रीन में दिख रहा है वो कौन सा क्लोजर है बताइए क्या होगा इसका आंसर। 19 का है ए, किंग क्लोजर। सबसे पहले बताया है किसने, सबसे पहले बताया नेहा कुमावत ने, वेरी गुड। किंग क्लोजर करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। किंग क्लोजर होगा आंसर, क्यून मत बोलिए, क्यून क्यों बोल रहे हैं, क्यून तो चीज अलग होती है, किंग अलग चीज होती है। आपने लेक्चर नहीं लिया क्या मोहम्मद आसिफ, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं लास्ट में करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। द अरेंजमेंट ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड अंडरनीथ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी इज नोन एज, कौन सा प्रोसेस है ये बताइए। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे उसके अंडर में आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर, इसका फोल्डिंग जैकिंग शोरिंग या अंडरपिनिंग, बताइए फटाफट बताइए। पैड, जो पैड है अपने पैड पर नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। अंडरपिनिंग, बिल्कुल अंडरपिनिंग करेक्ट आंसर आ रहा है 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का अंडरपिनिंग करेक्ट आंसर है अंडरपिनिंग करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। देखो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा दिया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ए ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वॉल इज कॉल्ड एज, ये भी मैंने क्लास में बताया था, याद है या नहीं है, कमेंट कीजिए फटाफट। 21 का ए 21 का डी, कई लोग ए बोल रहे हैं कई लोग डी बोल रहे हैं, बताइए। नेहा जी ए नहीं होगा, डी होगा, बिल्कुल डी होगा, कई लोग तो बी भी बोल रहे हैं। अरे भैया बी कैसे हो जाएगा, देखो मैंने दो चीजें बताई थी, मान लीजिए ये वॉल है, मैं फिर से समझा देता हूं, ये वॉल है, अगर आप इस वॉल में वॉल की जो लेंथ है, इस वॉल की लेंथ की मैं बात कर रहा हूं कि वॉल की लेंथ दी हुई है लेंथ वाइज, और अगर आप ब्रिक्स को रखते हैं इस तरह से, मतलब ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो ये होता है सिस्टम। स्ट्रक्चर मतलब जो है आपका स्ट्रक्चर जो रखा है आपने, वो मतलब उसकी ब्रिक की जो लंबाई है और वॉल की लंबाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और अगर हेडर को आप रखते हैं तो हेडर कैसे होगा, ऐसे हेडर ऐसे दिखेगा, यानी हेडर के केस में क्या होता है ब्रिक्स की जो लंबाई है वो ब्रिक्स की लंबाई वॉल की लंबाई के परपेंडिकुलर चली जाती है, तो हेडर होता है ना भैया, वो हेडर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हेडर होगा, मतलब वॉल की जो लेंथ है और ब्रिक की जो लेंथ है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है, बताना है विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन बी मेड फॉर 10 सेंटीमीटर थिक वॉल, 10 सेंटीमीटर की जो वॉल होती है थिक वॉल, वो बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड हम काम में लेते हैं, ये भी आप बड़े आसानी से बता देंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22,
शालू बार्क, बिल्कुल 22 का है बी, 22 का है बी, तो बी जितना गलत हो सकता है उससे भी गलत से भी ज्यादा हो चुका है। अरे फ्लेमिश में कब से होने लग गया 10 सेंटीमीटर? हेडर बोला है अमित कुमार ने, हेडर में कैसे हो सकता है 20 सेंटीमीटर? कैसी बातें कर रहे हो? सी और डी दो लोग फंस गए। अरे डी होगा ना। अरे यार लेक्चर नहीं देखे क्या, वीडियो लेक्चर नहीं देखे क्या आपने? स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं बहुत सारे स्ट्रेचर के एक साथ, स्ट्रेचर की थिकनेस क्या होती है? 10 सेंटीमीटर विद मोर्टार। तो ये 10 सेंटीमीटर की जो वॉल बनती है, यानी पार्टीशन वॉल जो बनती है, पार्टीशन वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है। उसमें जो बॉन्ड काम में आते हैं वो बॉन्ड कौन से होते हैं? वो बॉन्ड कौन से होते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड होता है भैया। कहां गड़बड़ कर रहे हो, कहां गड़बड़ कर रहे हो? ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी गलती करोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। शिव प्रताप सिंह बोल रहे हैं, शिव प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि पहले मैं बताता हूं और आप मेरा नाम भी लो। तो शिव प्रताप सिंह जी मैं एक साथ नाम ले देता हूं आपका। जितने भी क्वेश्चन आपने बताए हैं उनमें सबसे पहले शिव प्रताप सिंह जी ही थे। अब मैं बताता हूं शिव प्रताप सिंह जी, आंसर आपका लेट क्यों आ रहा होगा? नेट की वजह से। ये इंटरनेट पे चल रहा पूरा सिस्टम, तो आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो एक बार। आपका ने कमेंट आपने तो किया है, जब मेरे को मैंने जो क्वेश्चन बोला जस्ट आपने कमेंट किया, लेकिन मेरे तक आने में उसको टाइम लगता है। जिसका इंटरनेट फास्ट है उसका पहले आ जाएगा रिप्लाई। ये इंटरनेट की समस्या है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप तक पहुंचने में और आपके रिप्लाई को यहां आने में भी टाइम लग रहा है। 10-15 सेकंड का गैप होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का भी जवाब आने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी जवाब आ रहा है। डी बिल्कुल सही बात है। डी करेक्ट है। हेडर, जब हमको 9 सेंटीमीटर का फेस दिखाई देता है फेस में ये इस तरह से, तो उन्हें हेडर कहा जाता है। 24, इंग्लिश बॉन्ड यूज इन ब्रिक इज वेरी कॉस्टली, कॉस्टली इकोनॉमिकल, चीप एज वेल एज कॉस्टली। इंग्लिश बॉन्ड कहां काम में लेंगे? कौन सी ब्रिक्स होती है जहां काम में लिया जाता है इंग्लिश बॉन्ड, या किस जगह पर इंग्लिश बॉन्ड काम में लिया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। यानी कि इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है? चीप होता है क्या? नहीं। इकोनॉमिकल होता है? नहीं। ये भी नहीं। कॉस्टली होता है इंग्लिश बॉन्ड? कैसा होता है? कॉस्टली होता है। कैसा होता है? कॉस्टली होता है। शालू जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। एज कंपेयर्ड टू स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी इज मोर, बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 25, एज कंपेयर टू स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी इज मोर। नवीन मीणा जी बोल रहे हैं 25 का ए। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? नवीन मीणा जी ने सबसे पहले दिया है, बाकी लोग भी यही बात बोल रहे हैं। तो नवीन मीणा जी एकदम सही बात बोल रहे हैं आप लोग, आप लोगों का, बाकी लोग भी आपका समर्थन कर रहे हैं। फायर, जो फायर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है ना, फायर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ब्रिक का, फायर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रेचर बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली इन, स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, कहां आप प्रोवाइड कर सकते हो स्ट्रेचर? डीएमआरसी 2015 का सवाल है। मानवेंद्र सिंह जी ने पहले जवाब दिया, मानवेंद्र सिंह जी ने पहले जवाब दिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का जवाब दीजिए। कमेंट कीजिए, बताइए 26 का क्या जवाब होगा। नेहा कुमावत, नेहा कुमावत, निशांक जैन, अमित कुमार, रोहितास मीणा, मानवेंद्र सिंह, दीपांशु पांचाल, सैंडी, कुलदीप जी, मोहम्मद आसिफ, राजकुमार इंडियन, संजय कुमार, प्रीतम भट्ट, अरविंद सिंह, विश्वास चौधरी, सभी का जवाब एकदम सही है ए। 26 में क्या आएगा? ए, यानी कि हाफ ब्रिक वॉल, यानी पार्टीशन वॉल। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्चेज, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज एंड अदर प्लेसेस वेयर नॉइसलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायर्ड। ये सवाल आपके लिए है। अगर आपने
लेक्चर नंबर 7 का भी पार्ट 1 जिसमें बहुत सारी दुविधाएं हुई थी, बड़ी मुश्किल में कंप्लीट हुआ है लेक्चर नंबर 7, उसका ये सवाल है। बता दीजिए आज आप, राजस्थानी बॉय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 27 का जवाब दीजिए। 27 जिसने गलत किया उसकी पिटाई हो जाएगी, ऑनलाइन पिटाई होगी। 27 जिसने लेक्चर देखा उसको पता होगा। जिसने लेक्चर नंबर 7 देखा उसको पता होगा, फ्लोरिंग मैंने पढ़ाई थी। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉर्क होगा भैया, कॉर्क। नॉइस लेस फ्लोरिंग के लिए कॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, कॉर्क नहीं है तो रबर, है ना, बताया है यार, गलतियां मत करो। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, डीएसएस एसएसबी जेई का जो सवाल है 2015 का, द टाइप ऑफ मेसनरी इन विच द स्टोन ऑफ इरेगुलर साइज एंड शेप आर यूज्ड एंड देयर आर नो रेगुलर कोर्स इन नोन एज, कोई रेगुलर कोर्स नहीं होता है, साइज और शेप है जो स्टोन की वो भी इरेगुलर होती है, ऐसा कौन सा आपका बॉन्ड होता है? ब्रिक मेसनरी नहीं है, अब चल रही है स्टोन मेसनरी, क्या ये अनकोर्स्ड रबल है, कोर्स्ड रबल है, ड्राई रबल है या नन ऑफ द अबव? 28 का कुलदीप सिंह जी जवाब दे रहे हैं, अमित कुमार जी, कमलेश कुमारी, 28 क्या होगा आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब एकदम सही, ए, बिल्कुल ए होगा। अनकोर्स्ड रबल मेसनरी जो होती है उसमें ना तो कोई रेगुलर शेप होती है, ना कोई रेगुलर साइज होती है, और ना ही कोई रेगुलर आप क्या कर सकते हैं, कोई कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां मन करे वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी स्टोन लगा सकते हैं। चलिए 29 ये क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में समस्या हो सकती है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, 29 जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैव बीन स्पेसिफाइड इन नेशनल बिल्डिंग कोड? नेशनल बिल्डिंग कोड में टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने हैं? कंस्ट्रक्शन के जो टाइप है नेशनल बिल्डिंग कोड में कितने हैं बताइए? विशाल पुरोहित जी बोल रहे हैं, कैसे हो? मैं अच्छा हूं विशाल पुरोहित जी, एकदम अच्छा हूं मैं। बताइए 29 का जवाब दीजिए, 29 का क्वेश्चन लिखो आगे, 29 का बी, 29 का डी, 29 का सी, ए भी बोल दो कोई। फटाफट प्रवीण जी धन्यवाद। देखो श्याम जी बिल्कुल 29 का बी हो सकता है। अब देखो मैं बता दूं क्या बनवारीलाल मीणा जी आपका जवाब देंगे, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन को क्लासिफाई किया गया चार पार्ट में। लेकिन ये HP SSBJ 2016 का जो सवाल आया था इसमें इन्होंने आंसर दिया था 6, बाद में शायद ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 4 है इसका करेक्ट आंसर। अगर कहीं 6 मिल जाए तो गलत है। करेक्ट आंसर है इसका 4, 4 इसका करेक्ट आंसर है। अलग अलग जो टाइप की कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग होती है 4 टाइप का होता है। चलिए इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स कहां प्रोवाइड किया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। एस्टीमेट की क्लास देखिए नहीं देखिए बताइए, एस्टीमेट की क्लास में मैंने बताया है। बताओ मेरे मित्रों ज्यादा बोलूंगा तुम ये मत समझना मैं मोदी भक्त नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं, सीटी डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। आशुतोष पांडे जी, सीटी डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है मित्रों, एक करेक्ट आंसर है। बिल्कुल विजय जी RTI का हम बताएंगे लास्ट के 5 मिनट में, इंतजार कीजिए। द वॉल प्रोवाइडेड फॉर डिवाइडिंग वन रूम फ्रॉम अनदर रूम, ऐसी कौन सी दीवार है जिसका काम एक रूम को दूसरे रूम्स को डिवाइड करने के लिए किया जाता है? दो रूम है उनको डिवाइड करना, दोनों रूम्स को, तो बीच में एक दीवार बना देते, इसे क्या कहा जाता है?
बताइए 31 एमपी व्यापम 2017 का सवाल है। एमपी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का फॉर्म कभी भी आ सकता है, व्यापम का पेपर बिल्कुल। बनवारी बनवारी लाल मीणा जी आपके आपके सवाल का जवाब देंगे, आप रिपीट मत कीजिए अपने कमेंट को। बिल्कुल पार्टीशन वॉल कहा जाता है, पार्टीशन वॉल कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही लोगों का एक सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 एस्टिमेशन डिग्री में है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शेप्ड प्रोजेक्शन आउटसाइड द वॉल सरफेस इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एज। यूकेपीएससी एई 2013 का सवाल है और यह मैंने बताया है, किसी ने अगर गलत जवाब दिया इसका तो उसकी ऑनलाइन पिटाई होगी, ऑनलाइन पिटाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। बताइए 32 का जो है सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। चलिए जो बी और सी बोल रहे हैं उनको मैं दिखा देता हूं, मैंने पढ़ाया था पीडीएफ में, आ जाओ जो पीडीएफ मैंने पढ़ाया था। देखो मैंने दो चीजें बताई थी मित्रों, दो चीजें बताई थी आपको, एक तो बताया था वी पॉइंटिंग और एक बताया था वेदर पॉइंटिंग। तो वी और वेदर में क्या बताया था मैंने कि वेदर में प्रोजेक्शन होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होता है, जबकि वी पॉइंटिंग में अंदर की तरफ कट लगा हुआ होता है, ग्रूव होता है, ग्रूव ग्रूव होता है। अब समझ में आया बी होगा या सी होगा? विजय जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए या फिर लास्ट के जब 5 मिनट हो तब आ जाना, आप आपका जवाब देंगे। रविंद्र कुमार जी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में नहीं है, सिलेबस डाउनलोड कर लो, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है सभी से मेरे प्रिय मित्रों भाइयों, सिलेबस डाउनलोड कर लो। हर दूसरा तीसरा कमेंट जो होता है या फिर मेरे पास जो मैसेज आता है वो जरूर आता है, सर ये वाला सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है? अरे सिलेबस डाउनलोड कर उसमें देख लो, पढ़े लिखे हो तुम, पढ़े लिखे हो तुम, मेरे जैसे अनपढ़ हो तो बात अलग है। अरे तुम में कोई मेरे जैसा अनपढ़ हो तो बात अलग है, पढ़े लिखे हो तुम सब। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेदर पॉइंटिंग बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। इरिगेशन की क्लास 12 बजे होगी, 12 बजे। कैविटी वॉल इज प्रोवाइडेड, कैविटी वॉल कहां प्रोवाइड की जाती है, किस कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है बताइए, कैविटी वॉल बताओ डियर फ्रेंड्स बताइए, कैविटी वॉल 33 डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ये भी मैंने बताया है ऑलरेडी। प्रिवेंशन करना हो डैम्पनेस से, साउंड इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली जो प्लास्टर की थिकनेस है जनरली कितनी होती है, जनरली कितनी होती है 34 कमेंट एकदम लगातार आ रहे हैं लोगों के, बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 32 34 35 36 इस तरह से एक एक करके हम फटाफट से क्वेश्चन करते जाएंगे। बिल्कुल 12 mm सही है, 34 का 12 mm करेक्ट है, जनरली हम 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं। 35 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डैम्पनेस ए नैरो होलो स्पेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द एक्सटर्नल वॉल इज नोन एज। क्वेश्चन क्या है समझना, हम क्या कर सकते हैं डैम्पनेस को, डैम्प जो है उस डैम्प को प्रिवेंट करने के लिए, डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए एक नैरो एक पतली सी होलो स्पेस कंस्ट्रक्टेड वॉल जो है उस वॉल के साथ में कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एक स्पेस बनाते हैं खाली स्पेस, उसे क्या कहा जाता है, कैविटी वॉल, पैरापेट वॉल, एयर ड्रेन या वाटर ड्रेन बताइए। अब यहां पर देखना समझना, यहां पर नैरो होलो स्पेस है, नैरो है मतलब बहुत छोटा बहुत पतला, थर्टी फाइव बताइए, 35 यहां पर कंफ्यूजन होगा सभी को, 35 में कंफ्यूजन होगा सभी को। देखो कैविटी वॉल इसका आंसर नहीं है, अब बताओ आंसर क्या होगा, कैविटी वॉल इसका आंसर नहीं है, कैविटी वॉल इसका आंसर नहीं है।
शेर सिंह जी क्या कमेंट करें, शेर सिंह जी का कमेंट क्या है, सर मीडिया पर इतना बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, आप पढ़ाने में लगे भविष्य चाहिए स्टूडेंट्स को नहीं बिक जाएगा, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में भी जान दे लो, तुम भी मीडिया बन रहे हो। समझा नहीं मैं शेर सिंह जी आपको, मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो, आप डायरेक्टली कमेंट करो, बोले सर आप ऐसा कर कीजिए, आप बस कमेंट करके बता दीजिए, आप बोलेंगे आपके कहने पर वही हो जाएगा। अगर आपको शेर सिंह जी ऐसा लगता है कि हम उस कैंपेन का हिस्सा नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उस कैंपेन का हिस्सा नहीं है। उस कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है सभी के सभी उस कैंपेन का हिस्सा है। शेर सिंह जी क्या है आपके मन में मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसको मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आपको इसका कमेंट करके या रिसर्च करके जवाब देना है, और इसका रियल आंसर क्या है वो मैं कमेंट कर दूंगा, शाम तक मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसके बारे में आप सभी को रिसर्च करनी है। चलिए चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36 ए फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज्ड फॉर डीपीसी, डीपीसी के लिए कौन सा फ्लेक्सिबल मटेरियल काम में लेते हैं बताइए, बताइए फ्लेक्सिबल मटेरियल कौन सा काम में लेते हैं डीपीसी में, जो कि आपका वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, बताइए। 36 बिल्कुल बिटुमिन, बिटुमिन जो होती है बिटुमिन को काम में लिया जाता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल जो कि वाटर रिपेलेंट का काम करता है, वाटर रिपेलेंट का काम करता है, बिल्कुल सही। 37 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा ब्लर है, हो सकता है शायद आपको ना दिखे तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं। द इंटरनल कर्व ऑफ एन आर्च इज टर्म्ड एज, ये हमने ऑलरेडी पहले किया था लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। जो इंटरनल कर्व होता है उस इंटरनल कर्व को क्या कहा जाता है, आर्च के जो आर्च का जो इंटरनल कर्व होता है इसे क्या कहा जाता है, स्पान कहा जाता है, इंट्राडोस कहा जाता है, हॉन्च कहा जाता है, या बैक कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, इसे कहा जाता है इंट्राडोस। अगर बोले इंटरनल कर्व तो आपके आंसर आएगा इंट्राडोस, अगर सरफेस की बात करेगा, पूरे सरफेस की बात करेगा, पूरे एरिया की बात करेगा तो सॉफिट बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 द आर्चेस सपोर्ट द लोड्स मेनली बाय, जो आर्चेज हैं वो लोड मेनली कैसे सपोर्ट करते हैं, किस तरह सपोर्ट करते हैं। अरे समझ में नहीं आएगा, इंट्राडोस होगा सही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 38 बताइए, प्रतिभा शुक्ला आप अपने सेशन को रिफ्रेश करो, आप थोड़ा पीछे चल रही हो, प्रतिभा जी आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, रिफ्रेश करो सेशन को। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, आर्चेज जो हैं लोड को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, थ्रस्ट के थ्रू, करेक्ट जवाब, थ्रस्ट जो होता है थ्रस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये लोड को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी आप कैसे काउंटर अट्रैक्ट करते हैं आप कह सकते हो। 39 बार वाले को एक्स्ट्रा डोज कहते हैं, विजय जी बिल्कुल सही बात है। 39 द टर्म किंग क्लोजर किसमें काम में लेते हैं, पीएमबी जेई 2018 का सवाल है, 2018 में आया था, किंग क्लोजर किसमें काम में लेते हैं, किंग क्लोजर। 39 कमेंट कीजिए, 39 बिल्कुल सही जवाब, ब्रिक मेसनरी जो होती है उस ब्रिक मेसनरी में किंग क्लोजर काम में आता है। क्या होता है किंग क्लोजर, अभी ऊपर क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन नंबर 40 ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन मोर्टार इज नोन एज, जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है ब्रिक की, ऐसे आपने एक ब्रिक की लेयर बिछा दी तो इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, क्या इसे कोर्स कहा जाता है, क्या इसे स्ट्रेचर कहा जाता है, क्या इसे हेडर कहेंगे या फिर क्लोजर कहेंगे, क्या कहा जाता है ब्रिक्स को अगर एक लाइन में बिछा देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 40 जी हां, इसे कोर्स कहा जाता है, ना स्ट्रेचर, ना हेडर, ना क्लोजर, क्या कहेंगे, कोर्स कहा जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, कोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आरपीएससी एसीएफ 2011
आरपीएससी एसीएफ 2011, द मोर्टार जॉइंट इन मैसनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल। बताना है कि जो मोर्टार जॉइंट है वो मोर्टार जॉइंट नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल, जो वॉल है उस वॉल के फेस से नॉर्मल होता है, कौन सा जॉइंट होता है, बेड जॉइंट, वॉल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट या बॉन्डेड जॉइंट। 41, यानी कि मान लीजिए ये कोई वॉल है ना, एक वॉल बनाई आपने और हो सकता है उस वॉल पर आपने शो किया, ये वॉल है और यहां पर दूसरी वॉल आ रही है, अब ये जॉइंट हो गए यहां पर, नॉर्मल है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो ऐसा अगर कोई जॉइंट बनता है, यहां जॉइंट बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है, ये होता है आपका क्रॉस जॉइंट। क्या होता है, क्रॉस जॉइंट। टी जॉइंट भी बनता है, एक हो सकता है कि आपकी ये वॉल है, इस वॉल को यहां कट कर रही है, तो ये भी क्रॉस वॉल होगा, लेकिन ये क्रॉस इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन की वजह से बनेगा। तो 41 का सी एकदम करेक्ट जवाब है, सी एकदम करेक्ट जवाब है। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के आंसर भी ये दिए हुए हैं, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये पीडीएफ आपको एक घंटे के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी mybooklaw.com पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन यही समाप्त होता है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर कोई पूछेगा इस पीडीएफ की कीमत कितनी है, तो इस पीडीएफ की कीमत है मात्र एक रुपया, ये पीडीएफ मात्र एक रुपये में आपको मिलेगी। और कोई बालक है जो एक रुपये नहीं पे कर पा रहा, किसी वजह से गांव में है, किसी के पास ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम नहीं है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मैं गांव में हूं, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पढ़ाई थोड़ी बंद कर दोगे आप इस वजह से, मैं आपको सेंड करूंगा, तो उन बच्चों को भी मैं सेंड कर देता हूं। तो अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता डोनेशन, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या वो पैसे तो हैं लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा है बेचारा, तो ऐसा थोड़ी है वो पढ़ाई छोड़ दे बेचारा, पढ़ाई करने का सभी को हक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है कि सर मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है आपको, ये बताओ। वीडियो तो रुक गया, मुझे भी पता है वीडियो रुक गया, वीडियो इसलिए रुक गया क्योंकि इंटरनेट के कनेक्शन की जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभी। बताइए, एक बार बता दो मुझे, अरे मित्रों एक बार बता दो, बता दीजिए एक बार, आवाज तो आ रही है। डोनेशन का जो नंबर है, वो डोनेशन का नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा था ना, जो नंबर 70144 70633 वही है। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप एक रुपया डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीडीएफ परचेज कर रहे हैं एक रुपए में, तो डोनेशन मत करना, क्योंकि आप पीडीएफ परचेज करके भी इस चैनल की ग्रोथ में अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं, है ना। चलिए, इतने क्वेश्चन सफिशियंट नहीं है सीटी के लिए, लेकिन इतने क्वेश्चन इतने हैं कि आपका बेस मजबूत कर देंगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा इतने क्वेश्चन करने से। सीटी क्या है, कितना नहीं है, यह पता चलने के लिए काफी है सीटी के लिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन मिलते हैं सीटी के, तो उन्हें आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर फटाफट कमेंट कीजिए, क्या मजा आया नहीं आया लेक्चर में। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, टाइम वेस्ट मैं नहीं करता हूं, इसलिए बीच में मैं कमेंट नहीं करता हूं, अदर तरह की चीजें नहीं बोलता हूं, ताकि आपका समय जो है खराब ना हो। लास्ट के 5 मिनट में फालतू की बातें कर लेंगे, जिसको उन फालतू की बातों में इंटरेस्ट है तो वो रुक जाएगा, और जिसको नहीं वो चला जाएगा। फालतू की बातें मतलब ये कि मतलब सब्जेक्ट रिगार्डिंग कुछ और बातें करनी है, कुछ और बात करनी हो सब्जेक्ट के अलावा, तो हम लास्ट के 5 मिनट में करेंगे, क्योंकि वो बातें जरूर थोड़ी ना सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ विजय जी, हाँ आपका जवाब देना है मुझे, मैं पीडीएफ सीटी की पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ एक घंटे में अपलोड करने वाला हूँ mybooklaw.com पे। एस्टिमेशन जो है पूरा हुआ दिया नहीं है, एस्टिमेशन जो है वो पूरा दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हैं वो काम के हैं। जो टॉपिक काम के हैं उन्हें तो आपको पढ़ना ही है, उन्हें तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी का भी ओवरव्यू लेना है, क्योंकि एस्टिमेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार। और कोई सवाल किसी का, बिल्कुल विजय जी डिटेल में नहीं है, लेकिन जो दिया हुआ वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, एस्टिमेशन है तो सही सिलेबस में। यूथ कंपटीशन की बुक अच्छी है, यूथ कंपटीशन की बुक है, उसको आप कर सकते हो, अच्छी बुक है। और कोई जवाब, और कोई सवाल, फटाफट
फटाफट बताओ कोई है या नहीं है, फिर मैं क्लास ऑफ करता हूं। 12 बजे आपके हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वाली जो क्लास है वो है, सीटी की पीडीएफ mybooklaw.com पे अभी एक घंटे में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सेशन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी 12 बजे है, सर आ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और भी कोई समस्या होगी तो उसे भी हम दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।